तो हाय चिकी पाइज, कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत 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 अच्छी होंगी। तो ये मैं दिन का खाना बना रही थी, राजमा चावल, क्योंकि मेरे हस्बैंड को राजमा चावल खाने थे और मेरा बिल्कुल बिल्कुल भी मन नहीं था बनाने का, क्योंकि आपको पता है कितनी गर्मी हो रही है, गर्मी में कुछ भी खाना बनाने का मन नहीं करता, ना इतना हैवी खाने का मन करता है। लेकिन मेरे हस्बैंड की सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो उनका मन था कि हाँ मैं राजमा चावल खाऊं। और जब मैंने राजमा, मैं कभी भी राजमा भिगो के नहीं रखती, मैं हमेशा राजमा में 2 सीटी मारती हूँ, उसके बाद फिर उनको दोबारा से मसाला बना के उसमें 5-6 सीटी मारती हूँ। तो राजमा मैं तो इस तरीके से ही बनाती हूँ। तो मैं दिखा रही थी कि मेरे राजमा, मतलब सारे राजमा अच्छे से बॉईल नहीं हुए थे, उसमें से कुछ कुछ राजमा जो है रह गए थे। तो बस मैंने राजमा फिर दोबारा मैंने राजमा चढ़ाए और क्या बोलते हैं, चावल भी चढ़ाने के लिए रख दिए थे। बस अब मैं राजमा का मसाला बनाई थी। अच्छा, ये मैंने अभी गर्म मसाला बनाया हुआ था। इसमें क्या क्या डलता है अगर आपको पता, अगर आपको इसका फुल वीडियो चाहिए तो मैं बना दूंगी कि मैं गर्म मसाला कैसे बनाती हूँ। लेकिन बहुत बहुत टेस्टी गर्म मसाला था। मैं बाहर से मसाले नहीं लाती, मैं घर में ही सारे मसाले बनाती हूँ। और ये मसाला बहुत बहुत, मतलब आपके पूरे खाने को ही चेंज कर देगा, क्योंकि हम लहसुन प्याज नहीं खाते तो मसाले बहुत मैटर करते हैं मेरे लिए, कि मसाले अच्छे होने चाहिए ताकि आपका खाना अच्छा बने, खाने में टेस्ट आए। तो बस मैं यही बना रही थी मसाला, और मेरी मसाला बनाते बनाते मेरी मिक्सी इतनी ज़्यादा गर्म हो जा रही थी कि मुझे बार बार हर एक सेकंड के बाद उसे बंद करना पड़ रहा था, उसको घुमाना पड़ रहा था। और इस तरीके से मैंने अपना मसाला फिर बना के रेडी किया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था ये मिक्सी क्यों इतनी ज़्यादा गर्म हो रही है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जल्दी जल्दी बनाते हैं, उसके बाद इसको बना के मैं अपना राजमा चावल बना के ख़त्म करूं, क्योंकि किचन में इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी और बहुत ज़्यादा बहुत सारा काम था करने के लिए। तो हस्बैंड लोग तो सिर्फ ऐसे ही बोल देते हैं कि तो पूरे दिन घर पे रह के क्या करते हो, लेकिन क्या करते हैं अगर उनको बताने चले तो, मतलब वो समझ नहीं पाएंगे इस चीज़ को कि हम पूरे दिन भर क्या करते हैं घर में रह के, क्योंकि उनको अपना काम ज़्यादा लगता है। अरे हम तो कमा कर आते हैं, हम जॉब करते हैं पूरा दिन, हम 9-9, 12-12 घंटे की शिफ्ट करते हैं, तुम तो घर में आराम से बस खाना बनाने के बाद, खाना ही तो बनाना होता है, उसके बाद तो तुम आराम से मजे में बैठी रहती होंगी। तो इस तरीके से, मतलब मुझे लगता है हस्बैंड लोगों की सोच है, और मेरी नहीं, मतलब मुझे लगता है और भी, मतलब बहुत सारे हस्बैंड हैं जिनकी इस तरीके की सोच है। तो इस तरीके से मैंने गर्म मसाले में आमचूर पाउडर डाला, उसको मिक्स किया, इसमें हल्दी भी डलती है और हींग भी डलती है, क्योंकि हल्दी मेरी ख़त्म हो गई थी। हल्दी भी मैं घर में ही बनाती हूँ, जो साबुत हल्दी आती है ना गांठ वाली, मैं उसको घर में ही पीस के और घर में ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बाहर से मैं पहले हल्दी लाती थी तो वो इतनी अच्छी नहीं होती थी, इतना अच्छा कलर नहीं देती थी जितनी एक नेचुरल हल्दी देती है। मेरा गरम मसाला बन गया था, मैंने उसे डब्बे में, मतलब जार में डाला और अपनी जगह पे रख दिया। उसके बाद मैं अपने राजमा बनाने की तैयारी करने लग गई थी। तो ये देखिए, मैं धीरे धीरे करके सारा मसाला डब्बे में डाल दिया है मैंने। यार परसों हम लोग अपने इन-लॉज के घर गए थे, तो मेरे इन-लॉज, मतलब हम लोग वहाँ से खाना नहीं खा के आए, तो मेरी जो मदर इन लॉ है उन्होंने मेरे हस्बैंड से पूछा था कि तुम परसों आओगे तो तुम्हें खाने में क्या खाना है। तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि यार क्या सिर्फ अपने बेटे से ही पूछा जाता है, बहू से नहीं पूछा जाता, चलो छोड़ो। तो मेरे हस्बैंड ने बोला था राजमा चावल, तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा था कि बिना लहसुन प्याज के राजमा तो बनते ही नहीं है। तो वही फिर आज मेरे हस्बैंड ने मुझे बोली थी कि यार तुम बना दो राजमा, तो राजमा तो मैं बनाती हूँ बिना लहसुन प्याज के और बहुत यम्मी बनते हैं। किसने बोला कि सिर्फ लहसुन प्याज ही ज़रूरी होती है राजमा के लिए? तो बहुत अच्छा सा आप एक अदरक टमाटर का इनका पेस्ट बनाइए, बहुत मतलब टमाटर आप थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में काटिएगा, ताकि एक अच्छा सा, क्योंकि हमें प्याज नहीं डालना होता, तो ग्रेवी में थोड़ी सी ग्रेवी जो थिक बने। और उसके बाद मैं आप बोलोगे क्या स्टूपिड हूँ मैं खाना बना, मतलब जब मैं थोड़ा सा मसाला बना देती हूँ तो मैं उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ। आप कहते हैं ओ ऑयल, कच्चा ऑयल तो उसकी स्मेल नहीं आती होगी? नहीं, उसकी स्मेल नहीं आती, क्योंकि हमें सीटी मारनी होती है तो उसमें पक जाता है ऑयल। लेकिन उस जब आप मसाले डाल देते हो उसके ऊपर, आप थोड़ा सा कच्चा ऑयल डालते हो, 1 चम्मच डालना, उससे ना यार इतना बढ़िया टेस्ट बनता है ना खाना। बेशक आप खाना बनाते टाइम थोड़ा कम तेल डालना, लेकिन ऊपर से 1 चम्मच तेल ज़रूर डालना, तो बहुत अच्छा उससे ना, जब वो मतलब सारे मसालों के साथ मिक्स होता है तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो इस तरीके से मैं अपने सारे मसाले जो है, मसाले क्या मतलब, यही गरम मसाला, नमक, हल्दी, ये सब चीज़ें, हल्दी मैं नहीं डालती राजमा में, क्योंकि राजमा का अपना जो नेचुरल कलर है वो नहीं आ पाता है, जो एक रेड सा कलर होता है बहुत ही, मतलब वरना वो राजमा येलो येलो से हो जाते हैं, वो देखने में इतने टैम्पटिंग, इतने अच्छे नहीं लगते।
तो बस मैंने इस तरीके से अपने राजमा बनाए, डाल दिए। उसके बाद मैंने पाँच छः मतलब चार सीटी तो मैंने तेज आँच में मारी थी, उसके बाद लो फ्लेम कर दिया। उसके बाद मैंने मतलब तीन या चार सीटी लो फ्लेम में की थी, क्योंकि मैंने इनको भिगोए नहीं थे। वैसे तो मेरे राजमा हो गए थे, लेकिन कुछ कुछ राजमा थे जो कच्चे थे। तो राजमा चढ़ाने के बाद बाकी अपना किचन में बर्तन धोने का काम करने लगे, क्योंकि हम यार क्या करें, हम घर की काम वाली बाई हैं जो फ्री में काम करती हैं, जिन्हें ना पैसे मिलते हैं ना इज्जत मिलती है ना कुछ मिलता है, लेकिन काम भरपूर होता है। अब इसके बाद काम करते करते मुझे इतना ज़्यादा पसीना आ रहा था कि मन कर रहा था कि बस ये बर्तन छोड़ के मैं चली जाऊँ, लेकिन बर्तन थे, धोने थे, कौन करता अगर मैं नहीं करती। हस्बैंड तो कभी किचन में झांकने भी नहीं आते हैं कि किचन में क्या चीज़ है क्या नहीं है। हाँ वैसे वो करते हैं जब मतलब मैं अपने जब पीरियड्स के डे में मैं अपने पीरियड्स के डे में होती हूँ तो वो मेरी हेल्प करवा देते हैं बर्तन बर्तन धोने में, लेकिन यार वो एक घंटा लगाते हैं बर्तन धोने में, एक एक बर्तन को बहुत अच्छे से साफ़ करते हैं। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो काम मैं 5 मिनट में करती हूँ वो 1 घंटे में करते हैं, तो वो चीज़ मुझे बहुत इरीटेट करती है। मैं कहती हूँ यार तुम छोड़ दो, इससे अच्छा तो मैं ही कर लूँगी। तुम 1 घंटे से खड़े होकर वो बर्तन धो रहे हो, फिर ऐसा लगता है कि तुम बर्तन नहीं धो रहे हो, पता नहीं कौन सी जंग लड़ रहे हो किचन में खड़े होके। तो दैट्स इट, मैंने सारे बर्तन वॉश किए, उसके बाद अपना पूरा स्लैब साफ़ किया, उसके बाद अंदर एसी चला होता सब आराम से। मेरी मम्मी आई हुई हैं क्योंकि घर पे, तो मम्मी और मेरे हस्बैंड आराम से एसी में लेटे हुए थे और मैं किचन में काम कर रही थी। ऐसा नहीं है, मतलब मेरी मम्मी जब भी मेरे घर आती हैं मेरे साथ बहुत 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 ज़्यादा हेल्प करवाती हैं। वो कभी मेरे घर आ जाती है, वैसे तो भाई के साथ ही रहती है, पर कभी कभी मेरे वहाँ भी आ जाती है। तो लोग बोलते हैं कि पेरेंट्स को बेटियों के घर नहीं आना चाहिए। अब मैं क्योंकि अकेले रहती हूँ, मेरे इन लॉज अकेले रहते हैं, मतलब अलग रहते हैं हमारे, मेरा जो देवर है उनके उसके साथ, तो अब मैं क्या इस चीज़ में आपको बोलूँ। तो वो अलग रहते हैं और मैं और मेरे हस्बैंड अलग रहते हैं, तो हम दोनों ही होते हैं। तो मेरी मम्मी कभी कभी आ जाती है, क्योंकि मतलब यार वो लोग भी इतना विजिट नहीं करते घर में, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ को वहाँ पर भी देखना होता है, अपना घर भी देखना होता है मीन्स, तो वो इतना यहाँ पर नहीं आ पाते। तो मतलब मेरी मम्मी आ जाती है, और देखो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मुझे कितना ज़्यादा पसीना आ गया, मतलब बहुत बुरी हालत हो गई थी, ऐसा लग रहा था मैंने फेस धो लिया होगा। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड सब्सक्राइब माय चैनल।